Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut में मंगलवार की सुबह लोहिया नगर में एक साबुन फैक्ट्री में दो जबरदस्त विस्फोट हुए। पहले विस्फोट में फैक्ट्री ध्वस्त हो गई, जबकि आसपास के भवनों को भी भारी क्षति पहुंची। अवैध रूप से आवासीय इलाके में संचालित इस फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल में बड़े पैमाने पर पटाखे नुमा सामग्री बरामद हुई है। ये सामग्री को दिवाली पर बच्चों द्वारा चलाई जाने वाली पिस्तौल में इस्तेमाल होने वाला शॉट बताया जा रहा है, जबकि पुलिस और प्रशासन इसे साबुन बनाने में इस्तेमाल होने वाला बता रहा है। इससे पहले विस्फोट में चार राहगीरों की भी मौत हो गई है, जबकि दूसरा विस्फोट उस वक्त हुआ जब जेसीबी से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही थी। इसमें एक सिपाही और जेसीबी चालक घायल हो गए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ जिलाधिकारी, एसएसपी आदि पहुंच गए हैं। सभी ने बरामद माल पटाखों से संबंधित है अथवा नहीं, इसकी जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कही। वहीं मौके पर मौजूद ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा है कि यह जांच का विषय है कि वहां पटाखे बरामद हुए अथवा नहीं, लेकिन इस मामले में जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लोहिया नगर में जिस बिल्डिंग में यह हादसा हुआ वह शास्त्री नगर निवासी आलोक गुप्ता व गौरव गुप्ता की है। बिल्डिंग के निचले हिस्से में साबुन मिले हैं, जबकि ऊपरी मंजिल पर भारी मात्रा में पटाखे नुमा खोखे बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि बिल्डिंग मालिक की तलाश की जा रही है और वह घर से फरार है। इस हादसे में 6 वर्षीय कार्तिक, ओमकार, सरोज, करण, सोनाक्षी, आसमा व 6 वर्षीय रमन घायल हो गए। मौके पर मौजूद फर्स्ट बाइट टीवी की रिपोर्टर जिया ने यह जानकारी दी है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है मेरठ के लोहिया नगर में। तो यहाँ पर मंगलवार की सुबह 7 बजे साबुन की फैक्ट्री में यहाँ पर आज बड़ा विस्फोट हुआ है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ के क्या हालात हैं। हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ पर साबुन की फैक्ट्री में सेकंड फ्लोर पर पटाखे बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ पर अभी पटाखे नहीं दिखे हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पटाखे बहुत ज्यादा पाए गए हैं। और सुबह 7 बजे के थोड़ी देर बाद फिर एक बड़ा विस्फोट हुआ है जिसमें एक सिपाही घायल हो गया है। हादसा इतना जबरदस्त था कि उसके आसपास की जो घर थे वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक बार मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी वो यहाँ पर दिखा दें। हालांकि प्रशासन ने अभी तक 4 लोगों के मरने की पुष्टि की है और उनका ये कहना है कि यहाँ पर पटाखों जैसा कोई चीज नहीं थी। वहीं मौके पर मौजूद एसपी सिटी पीयूष सिंह से जब हमारी रिपोर्टर जिया ने बात की तो उन्होंने यह कहा। सर, आज यहाँ पे विस्फोट हुआ, इसमें आपका क्या कहना है? ये थाना लोहिया नगर कॉलोनी के ब्लॉक की घटना है। यहाँ एक बिल्डिंग में साबुन के स्टोरेज का काम चल रहा था और प्रॉबेबली उसमें पीछे की तरफ जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग का भी काम चल रहा था। आज सुबह यहाँ 7:15 बजे के लगभग ब्लास्ट की सूचना प्राप्त हुई थी, इसमें ये बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और आसपास की कोई बिल्डिंगों को भी नुकसान पहुँचा हुआ है। तत्काल पुलिस टीम के द्वारा मौके पर आके जो भी इंजर्ड थे यहाँ पे इनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहाँ उपचार के दौरान 4 लोगों की मृत्यु कन्फर्म हुई, शेष का इलाज चल रहा है। बाकी एनडीआरएफ की टीम मौके पर आ चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो सर, यहाँ विस्फोट कैसे हुआ इस बारे में कोई पुष्टि हुई है? इनिशियल चीज़ें समझ में आ रही हैं कि यहाँ पे साबुन सोप की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी, ब्रॉडली उसी में किसी कारण से जो है इसमें ब्लास्ट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बाकी डिटेल इंक्वायरी कर। और यहाँ पर और भी कोई अंदर हो सकता है? इसीलिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, एनडीआरएफ की टीम अपना सर्वे और सर्च कर रही है, जैसा अपडेट होता है आपको बताया जाएगा। उधर ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने फर्स्ट बाइट टीवी से यह कहा। सर, आज यहाँ पे ये मामला हुआ विस्फोट का, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, लोहिया नगर थाना क्षेत्र की घटना है, वास्तव में बड़ी दुखद घटना है। इसमें जो भी हमारे लोग घायल हुए हैं उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। उनका सबसे पहले हमारा प्रयास है उनका ट्रीटमेंट ठीक से हो। बाकी देखिए, आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियाँ हो रही थी, जानकारी में आया कि साबुन यहाँ पर बनती है कंप्रेसर, और ये तो जांच का विषय है कि किन कारणों से हादसा हुआ है, लेकिन हादसे का जो भी कारण हम उन पर कार्रवाई कराएंगे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर भी कार्रवाई। मंत्री जी, यहाँ पर बड़ी संख्या में पटाखे बरामद हुए, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं आया है। मुझे बताया गया कि साबुन का ही है, पटाखे का विषय नहीं आया, लेकिन हम लोग इसकी जांच कराएंगे और जहां भी इस तरह की आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियां जहां भी हो रही है उनकी जांच करा के कार्रवाई कराएंगे। मौके पर बरामद बहुत सारे पटाखे साफ दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा, मैं जो देखा है घटनास्थल पर वहां कहीं पटाखे इस तरह के मुझे नहीं मिले, लेकिन मैंने फिर भी ये कहा है कि हम लोग पूरी घटना की जाँच कराएंगे।
मौके पर एनडीआरएफ के साथ ही एटीएस की टीम भी वहां पहुंच गई है। एनडीआरएफ टीम जहां बचाव कार्य में मलबे में मजदूरों के दबे होने की आशंका के चलते तलाशी ले रही है, तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी जांच में जुट गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।